नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल क्लासमेट नितेश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चले आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि भाषण के भाग, इसके अंदर वह सब चीज़ें आती है जो एक भाषण यानी स्पीच में काम में आती है। तो चलिए उनको देखते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे मिलकर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आप में से ही किसी ने अगली जो पहली वीडियो थी मेरी उसमें कमेंट किया था कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी वीडियो बनाइए। तो आपके कमेंट का ये रिप्लाई है कि ये वीडियो आपके लिए आ चुकी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो में हम ये जो सारे मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाउन। तो नाउन के अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। और साधारण शब्दों में अगर हम नाउन को समझें तो आप जहां पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो आपके सामने जो भी चीजें हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चारों तरफ जो चीजें हैं उन्हीं को हम नाउन कहेंगे। यानी कि जो चीजें आपको दिख रही है, जिनको आप बोल सकते हैं, जैसे ऊपर पंखा है, दीवार पर घड़ी लगी हुई है, सामने आपके टेबल है या कुर्सी है, पलंग है, बेड है, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। जिनको हम नाम बता सकते हैं कि ये इसका नाम होता है, वही क्या है, नाउन है। अब जो हमारी डेफिनेशन है इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहां पर 4 एग्जाम्पल दूंगा मैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। राम इज अ बॉय, तो राम क्या है, एक लड़का है, पर्सन है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू होम, तो यहाँ पर होम एक प्लेस है यानी कि स्थान है। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो एलिफेंट क्या है, यहाँ पर एक एनिमल है। दिस इज अ पेन, तो यहाँ पर जो पेन है वो एक थिंग है। तो वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन होती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान यानी कि नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, राम इज अ बॉय एंड ही इज वेरी रिच, और एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इट ईट्स ग्रास। 2 एग्जाम्पल हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, समझाता हूँ। चलिए, राम इज अ बॉय, ये देखिए राम क्या है, इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन है। अब एंड के बाद वाला भाग देखिए, एंड ही इज वेरी रिच, तो यहाँ पर जो ही आ रहा है, ही किसके लिए आ रहा है पहले ये जानिए। तो ही आ रहा है यहाँ पर राम के लिए। इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बोलें, राम इज अ बॉय एंड राम इज वेरी रिच, तो ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा और ये गलत भी है सेंटेंस। वहां पर हमको ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाउन है हमारा, दूसरे सेंटेंस में अगर उसी के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने राम के लिए ही वर्ड का यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इट ईट्स ग्रास, तो यहाँ पर जो एलिफेंट है वो क्या है, एक नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में हमने इसके लिए इट का यूज किया है। तो जो जानवर होते हैं उनके लिए इट का यूज किया जाता है। वैसे आप ही का यूज करने वाले थे मेरे को लगता है, पर जो जानवर होते हैं उनके लिए इट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो इट है वो भी एक क्या है, प्रोनाउन है। उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए हैं, ही, शी, इट, यू, दे, ये सब भी क्या है, प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण। इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटी इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो एक संज्ञा या एक सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटीज को बताता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, राम इज अ लेजी बॉय, इट इज स्मॉल, तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल के अंदर जो रेड रेड हो रहा है वो तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब इसको समझिए, आपने ऊपर से समझा है, अंदर से समझिए। राम इज अ लेजी बॉय, राम कैसा है, आलसी है। तो ये जो कैसा वर्ड है ये हर सेंटेंस में आपकी मदद करेगा। जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव पहचानना है तो वहां पर उस सेंटेंस के अंदर सिर्फ आप इतना बोल दीजिए कि वो कैसा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो राम कैसा है, आलसी है, लेजी है। दूसरा है, इट इज स्मॉल, ये कैसा है, ये छोटा है। तो यहाँ पर भी स्मॉल जो वर्ड है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। इसके अलावा गुड,
बेड, क्लीन, डर्टी, बिग, स्मॉल, वॉइस और लेजी, ब्रेव, टॉल, ये सारे भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि वे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब देखते हैं हम वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कर्ता के बारे में बताते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, वही हमारा वर्ब होता है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखो डायरेक्टली, तो हमारा एक ही एग्जाम्पल दूंगा और उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ही गोज़ टू होम, वह घर जाता है। तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वह घर जाता है। तो जाना, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह जा रहा है, यानी कि जाना। तो गोज, गोज वर्ड क्या है? यहाँ पर एक जो वर्ब है उसकी सब फॉर्म है। गो, आप जानते ही हैं कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, गो, वेंट और गोन। ये अलग अलग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों हैं। और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसकी दो सब फॉर्म भी होती है, जैसे गोज और गोइंग। तो यहाँ पर हमने सब फॉर्म का यूज़ किया है, यानी कि गोज। इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको वर्ब अच्छी तरीके से समझाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी वीडियो की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। द वर्ड विच क्वालिटी इज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। वह शब्द जिसमें एक क्रिया, एक विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के गुण होते हैं, क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में नहीं आया ना? आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखियो, जैसे आपने एडजेक्टिव देखा था, तो एडजेक्टिव क्या था? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। और जो यह हमारा एडवर्ब है, ये वर्ब की क्वालिटी को बताता है, यानी कि क्रिया की क्वालिटी को बताता है। आसान शब्दों में समझ जाओ, ये क्या है? हमारी वर्ब की क्वालिटी को बताता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर दिस इज वेरी गुड बुक। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर जो वेरी वर्ड आ रहा है, अगर वेरी को हटा देते हैं, चलिए पहले दोबारा पढ़ते हैं इसको, वेरी को हटाकर, दिस इज गुड बुक। तो यहाँ पर जो गुड था वो तो एडजेक्टिव था, यानी कि वो जो हमारा नाउन है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, बट यहाँ पर वेरी वर्ड यूज आ गया, यानी कि गुड क्या था? एक क्या है यहाँ पर? एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी कि एक एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है वो तो। और जो ये क्या है, जो एडवर्ब है, यानी कि जो वेरी वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव है उसकी भी और ज़्यादा विशेषता बता रहा है। दिस इज अ वेरी गुड बुक। अगला एग्जाम्पल देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ही इज रीडिंग क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ पर जो वो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है? शांत पढ़ रहा है, साफ पढ़ रहा है। तो वो कैसे पढ़ रहा है? शांत और साफ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो एक एक डेफिनेशन दोबारा देखिए, तो मैंने क्या बोला था कि जो वर्ब है उसकी ही डेफिनेशन के, यानी कि उसी के बारे में, उसकी जो क्वालिटीज़ है उसके बारे में बताता है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है, यहाँ पर दो एडवर्ब है, यानी कि जो रीडिंग है, रीडिंग यहाँ पर क्या है? एक वर्ब है, और उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? वो कैसा पढ़ रहा है? ये देखिए, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। वह कैसा पढ़ रहा है? क्वाइट और क्लियर, यानी कि वो साफ सुथरा पढ़ रहा है, बहुत सही ढंग से पढ़ रहा है वो। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट यूँ बोले, सिंपल बोलें, तो वह पढ़ रहा है। और इसी को और अच्छी तरीके से बोलें, हम बनाकर बोलें, वह बहुत अच्छी, बहुत साफ पढ़ रहा है, वो तो बिल्कुल साफ पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, क्वाइट क्लियरली, तो यही वर्ड क्या है? एडवर्ब हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। संज्ञा व सर्वनाम से पहले आने वाले शब्द हैं जो वाक्य में किसी अन्य शब्द या शब्दों से संबंध दर्शाता है, संबंध सूचक अवयव कहलाता है। ये तो डेफिनेशन होने, डेफिनेशन की बात हो गई कि संबंध सूचक यानी कि प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं। साधारण शब्दों में समझिए, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, यानी कि अन्य चीज़ों से सेंटेंस के अंदर संबंध बताता है, वही क्या होता है? हमारा प्रीपोजिशन होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल है, आराम से समझ में जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। ही हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम कोटा। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, इनमें जो ऑन और फ्रॉम है ये तो आप जानते ही हैं क्या है? प्रीपोजिशन है।
बट ये जो क्या है, दो दो सेंटेंस, ये जो दो जो दो भाग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में रिलेशन बना रहे हैं, उनको आपस में संबंध कर रहे हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक किस पर है, टेबल पर है। अगर ऑन हटा दोगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ है बुक। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, ही हैज़ बिन कमिंग फ्रॉम कोटा, तो वो कहाँ से आ रहा है, कोटा से आ रहा है। तो यहाँ पर, और इसको भी आप, प्रिपोजिशन को भी आप कैसे वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर है या कैसे है, इन दोनों वर्ड से आप जान सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है जो प्रिपोजिशन है। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि बुक कहाँ पर है, तो टेबल पर है, तो एक कहाँ वर्ड हमें बता रहा है कि इसमें प्रिपोजिशन क्या है, जो ऑन, ऑन प्रिपोजिशन का इसमें यूज़ करना है, पर यानी कि ऊपर, यहाँ पर शब्द आ रहा है हिंदी में। दूसरा है वह कहाँ से आ रहा है, तो ये जो कहाँ से आ रहा है, कहाँ, तो ये कहाँ वर्ड यानी कि फ्रॉम इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमें बता रहा है कि इसके अंदर जो प्रिपोजिशन है वो फ्रॉम है यानी कि से है। चलिए अब हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस टुगेदर। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जिसका उपयोग शब्दों, वाक्यांशों, खंडों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर साधारण शब्दों में इसको समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं हम जोड़ने वाले शब्द, यानी कि दो सेंटेंस, दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस, इन सबको जो जोड़ते हैं वही शब्द कंजक्शंस कहलाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से इस चीज़ को। टू एंड टू मैक्स फोर, तो यहाँ पर दो और दो को एंड इस कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। ही वर्क्स एज माई असिस्टेंट, तो यहाँ पर जो एज वर्ड है ये दो दो सेंटेंस हैं उनको जोड़ रहा है, यानी कि दो फ्रेज है उनको जोड़ रहा है। आई एम श्योर दैट ही विल कम, तो यहाँ पर दो सेंटेंस को ये दैट वर्ड जोड़ रहा है, तो ये यहाँ पर एक कंजक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैंने कंजक्शन करवा रखे हैं, वहाँ से आप हर एक कंजक्शन को देख सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक अवयव। इसकी भी डेफिनेशन फटाफट से समझ लेते हैं। विच वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो शब्द मानव की कुछ अचानक होने आने वाली भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग में आते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अवयव कहा जाता है। यानी कि वे शब्द जो मानव में अचानक आने वाली जो भावनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं, उनसे वो शब्द होते हैं जो मानव में अचानक आती है, हमारे अंदर अचानक जो भावनाएं आ जाती है उनके बारे में जो शब्द बताते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं बहुत सी बार ओ, तो ये भी एक इंटरजेक्शन है। इसका जो साइन है वो पीछे यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, ये साइन इसके हर वर्ड के लास्ट में आता है। ओ इसका मीनिंग होता है, मतलब कि इनके जो वर्ड होते हैं ना उनके मीनिंग होते हैं। जैसे जैसे आपको कोई इन्जॉय वाली फीलिंग आई तो आप बोलते ओ, और जैसे कोई आश्चर्य हुआ ओ, तो इस तरह से आश्चर्य पर भी आप बोलते ऑल्स, ऑल्स दुख हुआ, तो इस तरह से। और ये वर्ड तो सबसे ज़्यादा फेमस है, हम, तो ये वर्ड ज़्यादातर व्हाट्सएप पे यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इस तरह से। अगला है डन, यानी कि ठीक है, ठीक है। अगला है हुश, हुश, इस तरह से बोलते हैं ना, तो ये वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, चुप रहो, यूं कर हाथ पे उंगली रख के बोलते हैं ना हुश, हुश, तो ये इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।